cantilever, coordination products of sets. तो x plus 1 is equal to 3 है, plus 1 को उधर ले जाएंगे,
x is equal to 3 minus 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इसी तरीके से यहाँ पर y है तो 1 प्लस 2, ये माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल 1 के बाद में एग्जांपल 2 देखेंगे। इफ p इज इक्वल टू एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 इफ p इज इक्वल टू abc, इफ p इज इक्वल टू abc एंड कैपिटल q इज इक्वल टू r, all the sets होता है 11 प्लस का, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो है ना ये हमारा फिजिक्स होता है। अभी आज मंडे है तो आज मैथ्स की क्लास चल रही है, अभी 4:30 से 5:30 होता है टाइम। अभी इसमें 1800 पर सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट्स की सैटरडे को होता है। मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्या करना है कि p क्रॉस q, p क्रॉस q निकालना है, q क्रॉस p निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। देखिएगा ये दो जो प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे ये किस तरह से निकलेंगे। p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, जो p है इसमें p के एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, a b c, और जो q है q का एलिमेंट केवल एक ही दे रखा है r। तो पहले a का पेयर बनेगा r के साथ, तो a कॉमा r, फिर b का बनेगा r के साथ, फिर ऐसे c का बनेगा r के साथ, ये तो हो गया p क्रॉस q। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि q क्रॉस p आपको करते हैं, तो q क्रॉस p में क्या करेंगे, पहले q लिखेंगे फिर p लिखेंगे, तो r क्रॉस a b c, ये क्या होगा, पहले r का a के साथ, तो r a, फिर r का b के साथ, और फिर r का c के साथ। तो पहले तो हमने ये बना लिया के p क्रॉस q बना लिया और q क्रॉस p बना लिया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि उसके बाद जो है ये पूछ रहे हैं कि आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, तो हम ये कहेंगे p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p, p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। हाँ एलिमेंट सेम है, लेकिन पता है ऑर्डर पेयर में अगर इनका ऑर्डर अगर आगे पीछे हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि फिर वो इक्वल नहीं,
एलिमेंट क्या है कि जैसे यहाँ पर ए आर है तो मुझे इसमें भी ए आर ही मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, आर ही बन रहा है। ऐसे बी आर है लेकिन यहाँ बन रहा है आर भी, तो ये कहेंगे कि नहीं ये उल्टा होगा, ठीक है। ये वैसे ही जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहा हूँ तो 1, 2 अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 2, 1 प्लॉट कर रहा हूँ तो वो एक्स और वाई बिल्कुल अलग ही हो गया। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटरसेक्शन सी निकालना है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या करें, इंटरसेक्शन सी निकाल लो फिर उसका उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, ऐसा करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट है इसमें पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए की एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है 4, ये हो गया 4, देयरफॉर A cross B intersection C is equal to A क्या है 1, 2, 3 और cross B intersection C क्या है 4, पहले 1 का pair बनेगा 4 के साथ, फिर 2 का बनेगा 4 के साथ, फिर 3 का बनेगा 4 के साथ, समझ गए तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर सेकंड पार्ट देखिएगा,
सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखिएगा, ए क्रॉस बी में है हमारे पास 1 2 3 और 3 4, ये है। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 3 1 4, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 3 2 4, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, ठीक है। तो ये तो बन गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाद में जो इंटरसेक्शन करना है, ए क्रॉस बी क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, मैंने गलती से ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया, इसको ए क्रॉस सी लिखिएगा, इसको ए क्रॉस सी कर लीजिए, मैंने गलती से ए इंटरसेक्शन सी लिखा, तो ए क्रॉस सी करेंगे, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में क्या है, 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3 क्रॉस 4 5 6, तो 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 और 3 6, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, एक एक एलिमेंट चेक करो, 1 3 इसमें है, हम ये कहेंगे नहीं है, डॉट लगा दो, जैसे डॉट लगाने का मतलब हल्का सा डॉट लगा दो अपने समझने के लिए, कि मैंने ये चेक कर लिया। फिर 1 4 देखो इसमें है, तो हम ये कहेंगे हाँ जी 1 4 है, तो इसको देखो आप दोनों में कॉमन आ रहा है ना, आपको ऐसा नहीं है कि एक एक एलिमेंट देखना है, एक एक पेयर देखना है, पेयर कॉमन होना चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। तो 1 4, फिर 2 3 चेक करिए, तो 2 3 इसमें नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया 1 2 3, फिर 2 4 चेक करिए, 2 4 है, फिर 3 3 नहीं है, फिर 3 4 है, ठीक है, और बस और तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में इंटरसेक्शन हमारे पास ये है। ऐसे थर्ड पार्ट देखिए ना, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी जो है ये हमारे पास ऐसे निकलेगा 3 4, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो बार बार ना लिखकर एक ही बार लिखा जाएगा, ये होगा 3 4 5 6, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास हो गया 3 4 5 6, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा अगला, ये क्या बोल रहा है, बी यूनियन सी इसका क्रॉस नहीं करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसका निकालेंगे, तो ए क्या है हमारे पास, ए है 1 2 3 1 2 3 क्रॉस, बी यूनियन सी क्या है 3 4 5 6, ये 1 2 3 मैंने ऐसे गलत लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जब एक एक एलिमेंट होता है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा बना बना कर, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 3 क्रॉस मतलब कार्टेशियन, 1 3 फिर 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है, उनका सबके साथ हो गया। ऐसे ही 2 का 3 2 का 4 2 का 5 2 का 6 3 3 का 3 3 का 3 के साथ 3 का 4 के साथ 3 का 5 के साथ 3 का 6 के साथ, ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा फोर्थ पॉइंट है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी,
ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, 1 2 3 क्रॉस बी क्या है, 3 4 यूनियन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगेगी, तो ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 4 5 6 1 3 1 3 2 3 2 3 3 4 तो दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर उसके बाद बीच में यूनियन का साइन लगाइए, तो 1 4 1 5 1 6 ऐसे 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 जी इतना हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि यूनियन करना है, तो यूनियन करते टाइम मैं ये देखूंगा कि जैसे 1 3 है, ठीक है, जैसे 1 3 है और इधर दिखाई दे रहा है 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हमें बस एक ही बार लिखना होता है, अनकॉमन एलिमेंट्स तो लिखते चले जाएंगे सारे लिखेंगे दोनों के, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहले देखेंगे 1 3 है, यहाँ लिखेंगे 1 3, फिर उसके बाद 1 4 है, 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इस पर्टिकुलर 1 4, ठीक है, फिर जरा देखेंगे कि 1 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तो 1 5 में लिखेंगे 1 5 और फिर 1 6 के लिए, इसमें 1 3 1 4 है, इसमें 1 4 1 5 1 6 है, ठीक है, तो 1 3 1 4 1 4 दोनों एक बार लिखेंगे और 1 5 1 6 तो 1 वाले सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 वाले एलिमेंट्स, तो 2 वाले एलिमेंट्स क्या है, 2 3 है, 4 है, 5 है और 2 6 है, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 2 4 2 5 2 6 ये हो गया, ठीक। और इसके बाद फिर आप देखेंगे इसी तरह से 3 वाले होंगे, तो 3 3 3 4 3 5 3 6 3 3 3 4 3 5 3 6 कंप्लीट हो गया, ये और बता दो आप भी बचा दूंगी इसमें, ठीक है, हो गया यूनियन, ठीक। तो वन के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, वन के जितने भी पेयर बन रहे थे ऐसे ही, टू के जितने बन रहे थे वो लिख लिए, कॉमन वालों को बार बार रिपीट करके नहीं लिखना, कॉमन वालों को एक ही बार, ठीक है, तो ये यूनियन हो गया, ये इसके टोटल 4 पॉइंट्स थे एग्जाम्पल नंबर 3 के। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा है कि टी इज इक्वल टू 1 2, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ ई इज इक्वल टू 1 2, इफ ई इज इक्वल टू 1 2, फॉर्म द सेट पी क्रॉस पी क्रॉस पी, फॉर्म द सेट पी क्रॉस पी क्रॉस पी, सबसे पहले बनाएंगे P क्रॉस P, वन टू क्रॉस वन टू, तो वन 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 टू,
फिर इन 1 2 2 ये तो हो गया पी क्रॉस पी। अब क्या करना है, पी क्रॉस पी इसमें क्या करिए, पी लिख लीजिए पहले 1 2 फिर क्रॉस करके लिखे 1 1 1 2 1 और 2 ये हो गया। अब 1 का सभी के साथ जैसे ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ट्रिपलेट बनेगी, तो कैसे होगा कि 1 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे बनेंगे, तो 1 1 1 फिर 1 1 2 और 1 2 फिर 1 2 1 फिर 1 2 2 फिर 2 1 1 फिर 2 1 2 फिर 2 2 1 सर 1 3 पर क्यों आ रहा है इधर जी, 1 3 पर क्यों आ रहा है फर्स्ट फर्स्ट वाले 1 3 पर हाँ ये इस वजह से आया। अब मेरे को ना ट्रिपलेट बनाना है, तो हमने क्या करा, हमने जैसे ये 1 है ना, इस 1 का पहले मैंने इसके से इन दोनों के साथ लिया, तो 1 1 1 फिर 1 का इन दोनों के साथ लिया, तो 1 1 2 फिर 1 2 1 फिर 1 2 ऐसे ऐसे ही फिर 2 का लिया सबके साथ, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में इफ आर इज द सेट ऑफ ऑड रियल नंबर्स
एग्जांपल नंबर सिक्स में है, इफ ए क्रॉस बी is equal to PQ, PR, MQ, MR. सेट ए को पहले वाले सेट में से निकल कर आता है पहला एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट में से निकल कर आता है। तो ये जो सेट ए और बी ये पूछ रहे हैं कि ए और बी आप बताइए, तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब पहले पहले एलिमेंट्स देखिए, रिपीट तो करना नहीं है सेट में, एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो पी पी यानी कि पी और एम, एम यानी कि सिर्फ एम, तो पी और एम, और ऐसे ही बी में क्यू आर क्यू आर यानी कि क्यू और आर, बताइए क्लियर है। अच्छा तो ये जो था ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बड़ा आसान वाला पोर्शन है, और इसमें आप देखिए एक्सरसाइज 2.1 नई वाली बुक अगर है आपके पास या पुरानी कोई भी है, तो एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक। और आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा देखिए इनको, अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी देख कर लगता है कि कुछ अलग लग रहा है या कुछ डाउट आ सकता है तो देख कर बताइए, मैं अभी आऊँ, ठीक है। आप जरा देखिए इसको, मैं अभी आऊँ, सारे क्वेश्चन ही देखता हूँ।
सेकंड पार्ट देखिएगा, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा, और अगर फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को ठीक करके लिखना है, ये करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ए और बी जो है ना एम्प्टी सेट नहीं है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ है उनके अंदर कोई एलिमेंट्स है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी। हाँ सही है भाई, x जो है x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x कॉमा वाई, तो जो x है वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, x को बिलोंग टू ए, और जो y है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा, बस सही है, तो ट्रू है। थर्ड में बताना है सेट, और देखिएगा थर्ड में है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये भी ट्रू है, अभी ट्रू कैसा होगा वो देखिएगा। सबसे पहले ए दे रखा है 1 2 और बी दे रखा है 3 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ए दे रखा है 1 2 और बी दे रखा है 3 4, ए और बी ये हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं के बाद को बताना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, b इंटरसेक्शन 5, तो b क्या है 3 4, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है एम्प्टी सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि इस ये तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अच्छा, फिर वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो बी और 5 का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट होता है। ए क्या है 1 2 क्रॉस एम्प्टी सेट, ये भी कुछ नहीं होगा, कोई इधर ऑर्डर पेयर है ही नहीं, जब ऑर्डर पेयर है ही नहीं तो क्रॉस किसके साथ होगा, किसी के भी साथ नहीं, वो क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, फाइव ही आएगा, तो हम ये कहेंगे थर्ड पार्ट भी ट्रू होगा। आंसर चेक कर लीजिए, फोर्थ का सेकंड का भी और थर्ड का भी दोनों ट्रू ही होने चाहिए, ठीक है। देखो मैं ऊपर थर्ड का फोर्थ का, दोनों ट्रू दे रखते हैं, ठीक है। और कौन सा ऊपर का, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है।
करते हैं। सिक्स में तो सीधा सीधा ये भाई ए क्रॉस बी दे रखा है इन्होंने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ई एक्स ई वाई बी एक्स डी वाई, टोटल अब ऑर्डर पे इतने आ गए 1 2 3 4
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने थे, दो, इसमें कितने थे, दो, तो टू इंटू टू, दो इंटू दो कितना हो गया, फोर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, नाइन आ रहे हैं, यानी कि ए में तीन एलिमेंट्स होंगे। और ए क्रॉस ए में वो कह रहे हैं कि कॉमन विच आर फाउंड, कोई दो एलिमेंट्स ऐसे मिले ए क्रॉस ए में, माइनस वन कॉमा जीरो, ए क्रॉस ए में कोई दो एलिमेंट्स ऐसे मिले माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, और डॉट 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 करके मैंने छोड़ दिया, तभी फैक्टर लगा कर गुड इवनिंग, ऐसे हमने डॉट डॉट लगा कर छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो पहले पहले एलिमेंट है माइनस वन और जीरो, ये पहला पहला जो एलिमेंट है ये किस में आएगा, ये ए में ही आएगा, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए में आएगा, वो दूसरे एलिमेंट में जीरो दिखाई दे रहा है और वन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में अलग क्या है, माइनस वन और जीरो तो था ही ए में, और एक एलिमेंट और आ गया वन, इसका मतलब माइनस वन जीरो और ये है ए। दोबारा बता दो, हमने ये कहा कि हमें इसके अंदर नाइन एलिमेंट्स हैं टोटल, लेकिन दो एलिमेंट्स दे रखे हैं बस, तो बोल रहे हैं कि आपको बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स पता नहीं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर था कि ए क्रॉस बी, तो हमें ये बताना था कि ए क्या होगा उसमें, तो हम ये कहेंगे बस पहला पहला एलिमेंट ढूंढ देगा, पहले पहले एलिमेंट्स ढूंढो, मैंने कहा ए है तो ये आ गया, फिर ये ए रिपीट होगा इसको नहीं लिखूंगा, फिर बी आ रहा है तो बी भी आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहला वाला सेट वो भी ए है और दूसरा वाला सेट वो भी ए है, तो पहले पहले वाले एलिमेंट्स देखो, तो पहले वाले एलिमेंट्स में तो माइनस वन है, एक जीरो है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो दूसरा सेट है वो भी ए है, तो दूसरा वाले एलिमेंट्स देखो तो जीरो है, तो जीरो तो मैं लिख चुका, दोबारा नहीं लिखूंगा, और क्या है वन है, फिर तो सेट ए तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक, तो सेट ए तो ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकाल कर देख लो यहाँ, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस वन जीरो वन क्रॉस माइनस वन जीरो वन, ठीक है, तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो माइनस वन कॉमा जीरो, फिर माइनस वन कॉमा वन, फिर जीरो कॉमा माइनस वन, फिर जीरो कॉमा जीरो, फिर जीरो कॉमा वन, फिर वन कॉमा माइनस वन, फिर वन कॉमा जीरो और वन कॉमा। एलिमेंट्स टोटल काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन कॉमा जीरो एक तो ये वाला और जीरो कॉमा वन एक ये वाला एलिमेंट्स हमारे पास थे, जो बचे हुए सात एलिमेंट्स हैं बनते ना कि ये रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बस इतना कर दीजिए। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके दस क्वेश्चन में से एक या दो हमने करें, बाकी के आप देख लेना, ठीक है, हो जाएंगे।